महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए संचालित मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज मुरादाबाद में संभागीय परिवहन कार्यालय में शिक्षा विभाग, यातायात पुलिस, चाइल्ड लाइन, महिला थाना, स्वास्थ्य विभाग सहित जनपद के समस्त सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रिंसिपल ने संगोष्ठी में भाग लिया। इसके साथ ही वर्चुअल संगोष्ठी का विषय महिला बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान रहा। कार्यक्रम के दौरान तमाम लोगों ने अपने विचार विस्तार से रखे। वहीं संभागीय परिवहन अधिकारी आर सोनी ने बताया कि विद्यालयों में छात्राओं को लाने ले जाने वाले वाहनों में सुरक्षा के लिहाज से कैमरे होने चाहिए, साथ ही महिला परिचालक का होना अनिवार्य होना चाहिए ताकि छात्र छात्राएं सुरक्षित रूप से घर से अपने विद्यालय आ जा सके और सुरक्षित महसूस कर सके। इसके साथ ही वाहनों के चालकों का चरित्र प्रमाणित किया जाना भी अति आवश्यक होना चाहिए। सर, मिशन शक्ति अभियान चल रहा है तो उसके अंतर्गत आज क्या कार्यक्रम कराया गया और क्या उसका मकसद? मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज इंटर ऑफिस एक वेब थ्रू मीटिंग रखी गई थी, जिसमें मुख्य रूप से हमारे विभाग के अलावा पुलिस विभाग, ट्रैफिक पुलिस से और DIY साहब और विभिन्न स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों के जो है प्रिंसिपल इस वेबिनार से जुड़े हुए थे। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि स्कूलों में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए विचार विमर्श किया जाए और जो भी व्यवस्थाएं हैं उसे मैक्सिमम इस लेवल पर लाया जाए कि बालिकाएं सुरक्षित महसूस करें। और ख़ास तौर से जो स्कूल वाहन चलते हैं उनमें सुरक्षा के मानक लगाए जाने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है और सभी ने सहयोग किया है कि वो मानकों को पूरा करेंगे। आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के सुरक्षा के प्रति जागरूक होना और उनके आत्मनिर्भरता के लिए और उनको विश्वास बनाने के लिए सब लोग आगे आएं, महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव रखें और किसी भी स्थिति में जो है महिलाओं की जो सुरक्षा है उसके साथ खिलवाड़ ना करें।